बिग बॉस OTT 3 को जल्द से जल्द खत्म करने के पीछे तो जैसे मेकर्स पड़ ही गया है, सबको पता है। और जो बंदा वाइल्ड कार्ड पे आया था, बहुत कुछ बोला था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो ट्रॉफी लेकर जाऊंगा, लेकिन उसका सफर खत्म ही हो गया। सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि सना सुल्तान एंड अदनान का जो है एविक्शन हो चुका है। लेकिन इसमें अदनान का भी कोई गलती नहीं है। अदनान ने कहा था कि मैं बहुत देर तक रहूंगा, कि अभी तो विनर एंट्री हुआ है, एंड कहीं ना कहीं ये विनर क्वालिटी है कि नहीं उसमें तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर फॉलोअर्स का बात करें तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स था अदनान का, 11 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता। लेकिन उसका सफ़र तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। अब बिग बॉस का मेकर्स का प्लान तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यस, अदनान एंड सना सुल्तान का हो चुका है घर से एविक्शन। लेकिन कौन सा बेसिस पे एविक्शन हुआ? देखिए, एविक्शन हुआ है सबको पता है, लेकिन एविक्शन के बेसिस के लिए बहुत लोग कन्फ्यूज्ड है। सो बेसिकली एक टास्क दिया गया था जहाँ से 13 मिनट जो है लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता, और एज पर बिग बॉस कैलकुलेशन अदनान एंड सना सेफ का सबसे कम था, जिसकी वजह से दोनों का एविक्शन हो गया। साथ ही में लवकेश एंड कृतिका भी था, एंड ये भी आ रहा है सामने कि शायद ये अरमान के हाथ में लास्ट था, क्योंकि कृतिका थे तो कृतिका को आउट नहीं कर सकते, इसलिए अदनान और सना सुल्तान को किया। अब वो तो पता लगेगा शो के अंदर जब देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। लेकिन हाँ, बिग बॉस मेकर्स का प्लान समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अरमान को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरमान का जो चीज़ें थे हेड ऑफ द हाउस बनाने के लिए, वो रणबीर को दे दिया, और बिग बॉस को पता था कि रणबीर के हाथ में अगर अरमान का है तो डेफिनेटली रणबीर उसको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं कर जाने देगा। तो बना दिया अरमान को हेड ऑफ़ द हाउस। उसके बाद कोई भी हेड ऑफ़ द हाउस नहीं है, अरमान के हाथ में सब पावर है, ना उसको नॉमिनेशन से कोई हटा रहा है। और ये जो हुआ है ये कैलकुलेशन के बेसिस पे हुआ है, ना कि फॉलोअर्स के बेसिस पे, ना कि ऑडियंस के चॉइस के बेसिस पे। अब ऑडियंस को भी क्या करना है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑडियंस के हाथ पे कुछ दे भी नहीं रहे। लेकिन अरमान के लिए बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पर उनका रेप केस का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ऐसे लोगों को, और उसमें बोला भी जा रहा है कि अरमान के खिलाफ यू नो प्रॉपर प्रूफ भी है, तो ऐसे लोगों को बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म अगर यू नो मिल जा रहा है, जहाँ पर उसको प्रमोट करने की मौका दिया जा रहा है, या उसको जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, मतलब कैसे सपोर्ट कर सकते, इवन बिग बॉस से भी, कि बिग बॉस कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। कृतिका भी कुछ नहीं करती है, वो घर के अंदर है। इससे कृतिका से तो बेटर मुझे सना सुल्तान लगता है, लेकिन क्या कर सकते, दोनों का डबल एविक्शन हो चुका है। लेकिन इसमें आपको क्या कहना है, क्या लगता है, क्या ये डबल एविक्शन जो है जायज़ था, क्या था, ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग था। अगर सना सुल्तान के साथ कृतिका को दे देते तो कृतिका को आउट कर सकते थे, लेकिन कृतिका को बचा लिया। और हो सकता है कि बिग बॉस का प्लान है कि लव कतारिया का है, बहुत लोग बोल भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लव कतारिया को हटाने का प्लान होगा तो लव कतारिया को बॉटम पे नहीं देता, बटम में दे देता, और ऑप्शन नहीं देता अरमान के पास। और अरमान, सबको पता है अरमान के हाथ में अगर सिर्फ लवकेश कतारिया रहेगा या विशाल रहेगा, ऐसा अगर जोड़ीदार रहेगा तो वो आउट हो जाता है। तो जोड़ी कौन सा था, चलिए एक बार बता देते हैं कि कौन सा जोड़ी था इस टास्क पे जो लोग गए थे, एंड उसके बेसिस पे जो है ये वोट आउट हुआ है। वोट आउट इन द सेंस कि ये 13 वाला कैलकुलेशन हुआ है। तो ये जोड़ी पे गया था, जैसे कि आप सभी को पता है। तो चलिए मैं जोड़ी बता देती हूँ। ओके, सो जोड़ी बता देते हैं। एक में थे विशाल पांडे, सना मकबूल, दूसरे में थे नैजी एंड अरमान मलिक, थर्ड में थे अदनान शेख, सना सुल्तान, फोर्थ में थे सना साई केतन, रणवीर शोरे एंड शिवानी कुमारी, एंड फिफ्थ में थे लवकेश कतारिया एंड कृतिका मलिक। ये था जोड़ी, जिसमें जितना न्यूज़ का माने, जितना सोर्सेस से अपडेट आ रहा है, विशाल पांडे एंड सना मकबूल का सबसे क्लोज था, और बाकी का ऐसे ही गया। तो या सना सुल्तान और कृतिका वाला जो टीम था, इन दोनों का सबसे कम था, एंड अरमान के हाथ में था, तो वो कृतिका को बचा कर अरमान एंड अदनान एंड सना सुल्तान को आउट कर दे, ये एक बात हो रहा है। और बोला जा रहा है, दूसरा और एक न्यूज़ आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों का सबसे कम था, अदनान एंड सना सुल्तान के, एज पर दी बिग बॉस, तो दोनों बाहर हो गए। लेकिन जो भी एविक्शन कन्फर्म्ड हो चुका है अदनान शेख एंड सना सुल्तान का, इसमें आपको क्या कहना है, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ज़रूर कमेंट करके बताना। यस, सभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड यस, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
एंड यस 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 अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना, इन द नेक्स्ट वीडियो पे बाय।